जयपुर से रेवाड़ी जा रही एक हरियाणा रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें बस में सवार करीब आधा दर्जन सवारियां घायल हो गईं। वहीं एक दुर्घटना में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने व ग्रामीणों ने राहगीरों ने पहुंचकर सवारियों को बस से बाहर निकाला। प्रागपुरा थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा रोडवेज के एक बस ललाना मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ मिलकर घायलों को तुरंत एम्बुलेंस व निजी वाहनों से पावटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि रोड बस चालक की लापरवाही के चलते उक्त दुर्घटना हुई है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों से अक्सर भयंकर दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा इन पर रोक नहीं लगाई जा रही है।